आज मेरे लोग में मौजूद है एक प्राइवेट एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट जो हमें बताएंगी कि करियर कितना ग्लैमरस है और कितना मुश्किल। कैसा है करियर, स्टार्ट कैसे किया, कैसे ख्याल आया कि मैं एयरहोस्टेस बन सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम अशर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं बचपन में फिफ्थ क्लास में थी तब मेरी कुछ फ्रेंड्स थी ऐसी जो मुझे कहती थी कि यार तुम बड़े हो के एयर होस्टेस बनना, तुम ज़रा स्लिम सी हो, खूबसूरत हो, प्यारी लगती हो। लाइक मैं अपनी ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ, सॉरी। अच्छी बात। अच्छा, तो फिर मैंने कहा ठीक है यार ट्राई करूँगी, अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो। ऐसा ऐसा फिर मैंने अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट की, मास्टर्स तक किया, मतलब मैथ्स कॉम में मास्टर्स किया मीडिया स्टडीज़ में। उसके बाद मैंने एक अखबार में पढ़ा था जंग न्यूज़ में के जो है इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं प्राइवेट एयरलाइन के। ये थे मुल्तान रमादा होटल में हो रहे थे इंटरव्यूज़, तो फिर वहाँ पर गई मैं। वहाँ पर मैंने देखा कि 1000 के करीब लड़कियाँ थी, तो फिर मैं तो डर गई पहले। मैंने कहा ये तो 1000 लड़कियाँ हैं, मैं इसमें से कैसे मतलब सेलेक्ट होंगी। तो सबसे पहले हाइट वगैरह चेक हुई, फिर एक टेस्ट हुआ रिटन टेस्ट, वो बहुत आसान सा होता है, ग्रामर टेस्ट होता है। क्या पूछते हैं उसमें? उसमें ग्रामर होता है सारा, बस यानी कि कहाँ टू लगना चाहिए तो कहाँ ऑफ लगना चाहिए तो कहाँ हैज लगना चाहिए, इंग्लिश का टेस्ट होता है सर। फिर उसके बाद एक सरसरी सा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में उसमें रीडिंग आपकी चेक करते हैं इंग्लिश की कि कैसी है उसकी रीडिंग और बाकी सब, यानी कि फिर उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू है वो एक दिन के बाद होता है। अच्छा, उस वक्त आपको वापस भेज दिया था, फिर आपको बताया? जी जी, हमें वापस भेज दिया था और एक कार्ड था मतलब पीले कलर का कार्ड था एक, तो उस पर मेंशन था कि आप सेलेक्ट हुई हैं कल के लिए इस तरह से। तो फिर मैं गई थी दोबारा अगले दिन, और फिर मुझे कहा भी था कि आपने कैसे आना है सेटल होके, मतलब बन बना के आना है आपने जुड़ा, और कैसे आपने तैयार होके आना है, इस तरह सारा कुछ उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था टीम ने। तो फिर मैं जब गई अगले दिन तो इंटरव्यू काफ़ी बड़ा हुआ था, मतलब आधे घंटे का तो हुआ था इंटरव्यू, उसमें काफ़ी कुछ पूछा था उन्होंने मेरी जॉब से मुतल्लिक के मैं। अच्छा, 1000 लड़कियाँ जो पहले थी उसमें से कितनी लड़कियों को अगले दिन कॉल की गई थी कुछ अंदाज़ा? 50। अच्छा, उस 50 में आप सेलेक्ट हुई थी, तो बड़ी बात। अच्छा, फिर 50 लड़कियों में फिर रह गई 30, फिर 30 का मेडिकल हुआ था, उसमें मैं भी थी मेडिकल में। अच्छा, फिर मेडिकल के बाद जो थी वो 15 मतलब सेलेक्ट होनी थी लड़कियां 30 में से, 30 में से। आई वगैरह चेक करते हैं मेडिकल में, हर चीज़ चेक करते हैं मेडिकल में, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा मेडिकल होता है आपका। उसके बाद जब मैं सेलेक्ट हो गई कि आप मतलब मेडिकल आपका हो गया है और इसके बारे में आपको फर्दर बाद में बताया जाएगा, फिर वो बाद इतना लंबा हो गया, 4-5 महीने हो गए, तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि मुझे कंफर्म है कि मेरा होगा लाजमी, मेरा दिल कहता है वैसे कि मेरी हो जाएगी जॉब, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से मतलब इस फील्ड में हार्ड वर्क कर रही हूँ जॉब के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। अच्छा, उससे कितना अर्सा पहले आपकी स्टडीज़ कम्प्लीट हो चुकी थी और बीच में जो अगर कोई टाइम था तो उसमें क्या कर रही थी आप? एक साल पहले मतलब मेरी 2015 में मैंने मैथ्स कॉम में मास्टर्स किया था, उसके बाद फिर मैंने मुल्तान में काफ़ी चैनल्स में किया अप्लाई। अच्छा, आप एंकर बनना चाहती थी, मतलब रिपोर्टर एंकर जो भी कुछ भी मिल जाती है। अच्छा, मीडिया में जॉब मतलब, तो क्योंकि आपने मास कॉम में मास्टर्स, असल में मुझे बोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे फिर ऐसा फील हुआ कि मेरी मतलब इतनी मतलब कम्युनिकेशन मेरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं मतलब इस फील्ड में ज़्यादा आगे जा सकूँगी, तो फिर मैंने मतलब फील्ड चेंज कर ली इस तरह से। मैंने उसमें अखबार में पढ़ा कि भाई चलो बचपन में मुझे किसी ने कहा था तो मैं देखती हूँ जाके। अच्छा, तो फिर ट्रेनिंग, फिर आपको कॉल की गई और उसके बाद आपको बताया गया कि जी आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से आती हैं जी। तो फिर ट्रेनिंग कितने अरसे की थी और क्या क्या बताया जाता था? ट्रेनिंग के लिए हम गए थे लाहौर, गए थे 3 महीने की ट्रेनिंग थी हमारी, हमें इतना आइडिया था ही नहीं कि इसमें क्या कुछ होता है। हम बल्कि थे कि भाई ये तो बड़ी फैंटेसी वाली जॉब है, इसमें तो बस हम तैयार होंगे, ऐसे बन बनाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे और ऐसे मटक मटक के चलेंगे, लोग हमारे फैन होंगे, इस तरह की चीज़ें बहुत दिमाग में थी कि अभी हम जाएंगे और फ्लाइट्स होंगी हमारी जाते ही। लेकिन जैसे ही हम क्लास में गए हैं, हर टेबल पे नाम के साथ एक एक बड़ी बड़ी बुक पड़ी हुई है मोटी मोटी। अच्छा, तो फिर वो मैम ने बताया कि आपने पढ़नी है पूरी बुक, तो हम तो डर गए। मैंने कहा मुझे तो, मैं तो पढ़ाई से वैसे ही भागती थी, मैंने मीडिया स्टडीज़ चूज़ किया कि वो थोड़ा आसान सब्जेक्ट है कि वो मैं सही तरह से कर लूँगी। तो फिर जब मुझे पता चला कि मुझे सारा जहाज़ पढ़ना है, टेक्निकल चीज़ें पढ़नी है, तो फिर मैंने कहा चलो अब आ गई हूँ तो करके ही जाऊँगी, क्योंकि मेरी ऐसी है नेचर कि अगर मैं कोई चीज़ एक दफ़ा शुरू कर दूँ तो उसको हर हाल में ख़त्म करती हूँ। अच्छा, पूरे एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ना होता है? हर चीज़ उसकी पढ़नी पड़ती है, इक्विपमेंट पढ़ने पड़ते हैं, इमरजेंसीज पढ़नी पड़ती हैं। अगर जैसे पाकिस्तानी आवाम क्या मतलब हर तरह की आवाम के दिमाग में ऐसा ही ख्याल होता है एयर होस्टेस के बारे में कि वो मतलब फैंटेसी वर्ल्ड है कोई, मतलब तैयार होती हैं बस हम, हमें चाय या कॉफ़ी सर्व करने के लिए हैं जस्ट। हालांकि हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं लोगों की, अगर खुदा ना खासा इमरजेंसी, मतलब खुदा ना खासा क्या पॉसिबिलिटी होती है कि इमरजेंसी होगी, हो सकती है, तो हमें हर वक्त तैयार होना होता है उसके लिए कि अगर इमरजेंसी हो जाएगी तो हमें क्या करना है।
इसकी सेफ्टी ब्रीफिंग हर फ्लाइट से पहले हमारी होती है पूरी एक घंटे की, और अगर खुदा ना खास्ता फायर हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता इंजन ख़राब हो गया है तो हम क्या करेंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उसके अंदर। अच्छा, तो कभी जब आप ब्रीफ कर रहे होते हैं मुसाफिरों को कि जी अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो ये एग्जिट्स हैं, ये ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, तो ख्याल आता है, एक खौफ होता है दिमाग में कि इनको तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन कितनी बड़ी पॉसिबल थ्रेट है हमारी नौकरी में। पहले पहले डरते थे बहुत ज़्यादा, फर्स्ट जब पहले पहले फ़्लाइट्स की मैंने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि मतलब जो वो है ज़िंदगी है वो तो अल्लाह के हुक्म से ही ख़त्म होनी है, कभी जैसे होनी है जैसे भी, अगर डर जाए तो फिर कैसे बंदा इंसान आगे सक्सेसफुल हो या कुछ कर सके। अच्छा, एयर होस्टेस की आगे क्या करियर क्या है, 4-5 साल 10 साल लगाने के बाद उसकी तरक्की क्या है? प्रमोशन होती है हमारी, एज अ पर्सन प्रमोट होते हैं हम कैबिन क्रू के बाद। अच्छा, एविएशन में ना इसको कैबिन क्रू कहते हैं या फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं, मतलब इसको एयर होस्टेस तो जैसे आम आवाम को समझाने के लिए क्या मतलब कहते हैं कि होस्टेस से एयर से कुछ उनको समझ आता है कि ये क्या चीज़ है। बोइंग 737 अगर एक है मिसाल के तौर पर, उसमें कितने फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं एक वक्त में? हमारे पास जो जहाज़ हैं उसके मुताबिक हमारे पास एक जहाज़ में 4 होता है क्रू, एक में 5 क्रू होता है। मुसाफिर दाखिल हो रहे होते हैं जहाज़ में तो कुछ हमारे फ्लाइट अटेंडेंट जो खवातीन और मर्द होते हैं कुछ वहाँ खड़े होते हैं, वो क्रू अलग होता है और बाकी जो दौरान परवाज आपको सर्व कर रहा होता है वो क्रू अलग होता है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, ऐसा कुछ होता है? अच्छा, बोर्डिंग में सारा एक जैसा क्रू और सब खड़े होते हैं अपनी अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे उसको असाइन की होती है कि आपकी ये पोजीशन है, आपने स्टोर पर खड़े होना है और आपने इस तरह से बिठाना है सबको, इस तरह से गाइड करना है, बाकी जो फ्लाइट क्रू है वो सिर्फ कॉकपिट में होता है। अच्छा, आपका अपने कलीग से कैसा ताल्लुक होता है, जो पायलट होते हैं और बाकी जो आपके सीनियर्स होते हैं वो किस तरह ट्रीट करते हैं आपको? काफ़ी अच्छी तरह, हमारे ऐसा है कि हमारी सबसे अच्छी बात ये इस जॉब की है कि इतनी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ट्रेनिंग में, इंसान बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बदला होता है बिल्कुल, अगर किसी के अंदर गुस्सा होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो अपने इमोशंस पे काबू पाना जो है ना कंट्रोल करना सिखाते हैं हमें कि कैसे आपने अपने इमोशंस पे काबू पाना है, कि जब आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर तो आपने क्या करना है, और जो हंसने की बार बार बताते हैं आपने हंसते रहना है, स्माइल करनी है मुसलसल, तो उससे ना हमारी चीज़ होती है कि गुस्सा एंगर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, दिमाग में खुद ब खुद चीज़ें आती हैं कि अब यार इसको कंट्रोल करना है, स्माइल करनी है तो ये ठीक हो जाएगा सामने वाला बंदा जो पैसेंजर है या कोई भी गुस्सा कर रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। और जैसे अगर मैं बताऊँ कि जहाज़ में जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही हमारा बुरा होता है, कभी कभी बहुत बुरे बुरे पैसेंजर होते हैं, बहुत बुरी बुरी तरह बिहेव करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं बहुत ज़्यादा ये, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं कहना होता उन्हें। उसमें ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, मर्द होते हैं? मर्द ज़्यादा होते हैं। असल ये है कि इस जॉब में मुझे ना दुनिया की बहुत समझ आई है, मतलब इतनी दुनिया के साथ मतलब फ्लाई करना हर तरह के तबके के साथ, कभी गांव के लोग होते हैं तो कभी शहर के लोग होते हैं तो कभी अंग्रेज़ भी होते हैं, कभी चाइना के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, समझ आती है कि कौन कैसा है। अच्छा, पाकिस्तानी लोगों के बारे में बताएं, पाकिस्तानी लोग में ज़्यादातर जो आपके लिए मुश्किल पेश आती है, यकीनन आप तो मुस्कुरा कर उसको डालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर शहरी बाबू होते हैं या बेचारे देहाती लोग होते हैं? दोनों होते हैं। अगर डोमेस्टिक पे देखा जाए तो वो अपने आप को बहुत अफलातून समझते हैं कि वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है तो वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, शहरी लोगों की बात कि हम शहरी हैं तो हमें नो हाउ हर चीज़ की है, हमें पता है कि सीट कहाँ है, हमें पता है कि बैग कैसे रखना है, आप क्यों बता रही हैं हमें, आप मेरे बैग को कैसे टच कर सकती हैं, आपकी जरूरत कैसे हुई है, इस तरह की बातें, मतलब तालीम हमें ना अच्छी चीज़ें सिखाती है, मतलब रिस्पेक्ट यानी कि किससे किस तरह बात करनी है। लेकिन जब इस तरह के लोग कम से कम 90% होंगे पाकिस्तान में जो ऐसे बदतमीजी करते हैं, मतलब जिनके अंदर गरूर होता है अपनी तालीम का, अपने रुतबे का, अपने पैसे का। में तो बड़ा दीन और इखलाकियात तो ये सिखाती हैं कि औरत का एहतराम करो, तो ये एहतराम मुआशरे में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि औरत किस तरह से सर्वाइव करती है इस फील्ड में, तो ये बहुत ही लंबी बहस है एक तरह से। मैं अगर आपको बताऊँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और हरेसमेंट तो ऐसे कदम कदम पे औरत के साथ है, कदम कदम पे जहाँ आप जाओगे ना आप हरास हो गए होगे, लोग आपको घूरते ही ऐसे हैं कि वो आपको एकदम से माइंड करते हो आप एकदम से कि क्या तरीका कहा रहे हो का। और 90% आई एम सॉरी टू से 90% लोग ऐसे मर्द ऐसे हैं मैंने जो फील किया है, क्योंकि मुझे 2.5 साल हो गए फ्लाई करते हुए, तो मैंने तो ऐसे ही फील किया है, बहुत अच्छा, बुरी तरह करते हैं लोग। जो फॉरेनर्स होते हैं उनमें भी हरासर्स होते हैं या बदतमीज होते हैं? परसेंटेज होती है? नहीं, एक दफ़ा जर्मनी के थे 2 पैसेंजर्स, तो वो बहुत ही मतलब अच्छी तरह पेश आ रहे थे, बहुत अच्छे थे, मतलब अखलाक बहुत अच्छा था उनका। लेकिन एक दफ़ा था कि एक मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट थी उस पर 2-3 चाइनीज़ थे, तो वो थोड़े बदतमीज़ थे, इस तरह के थे। अच्छा,
सही बात है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कौमियत क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी लोग होते हैं, बदतमीज़ भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बैकग्राउंड कैसा है और हमारी तरबियत कैसी है। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो वो है माशरा है, इसके अंदर ऐसे है कि मर्दों की तरबियत ही ऐसे होती है उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से, जैसे उनको सर पर बिठाया होता है कि वो मर्द है तो वो मर्द है, वो उसके अंदर गरूर होता है इसी बात का कि वो मर्द है बस, चाहे उसके अल्ले पल्ले कुछ ना हो, कुछ ना आता हो, लेकिन वो मर्द है। तो यही उसकी एक इतना सा एक चीज़ जो है ना, एक नाम उसके ऊपर जो लगा मेल का, जेंडर का, तो यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम मतलब कुछ भी कर लें, कामयाब हो जाएं, पैसे कमा लें, हमारे पास गाड़ी हो, अपना घर हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका कुछ भी। लोग हमें मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं करेंगे जितना कि भाई को करेंगे कि भाई अर्न कर रहा है तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो 10,000 कर रहा है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अगर मैं 1,00,000 कर रही हूँ तो मेरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी इतनी। अच्छा, ज़्यादा मज़ा किस फ्लाइट्स में आता है, डोमेस्टिक में? अब तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करती हैं तो इंटरनेशनल में ही आता है ज़्यादातर। दुबई और शारजा मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जब लॉन्ग फ्लाइट्स हो जाती हैं तो यकीनन आप इंसान हैं, थक जाती हैं, और उस सूरत में अगर कोई पैसेंजर बदतमीजी करे या आपको कोई मसले मसाइल पेश आए तो कैसे? तब होता है ऐसे, हाँ सही कह रहे हैं आप, तब होता है ऐसे कि यानी कि हिम्मत होती नहीं है कुछ करने की तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, फिर हम वहाँ से गुजर जाते हैं फिर वो बाद में जब सो के उठते हैं ना फ्लाइट के बाद, तो अच्छा यार उस पैसेंजर ने मुझे ऐसे कहा था, इतना बुरा कहा था उसे, मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे नज़र तो आएगा ही। अच्छा, जारी बात है इंसान है तो कभी कभी घर की परेशानियां भी होती हैं, बिल्कुल, तो वो भी दिमाग में चल रही होती हैं, और फिर आप लोगों का काम है कि मुस्कुरा के टालना, मुस्कुरा के अटेंड करना और लोगों को रहनुमाई देना उनको ना, बिल्कुल। तो कितना मुश्किल हो पाता है घर के परेशानियों को भूल कर ये काम करना अपना? अच्छा, जो हमारी जॉब है एज एन एयर होस्टेस, मैं बताऊँगी आपको कि आपको फील हो, आपको पता होता है कि यहाँ पे आप हवा में उड़े हो, कोई भी चीज़ मतलब हो सकती है आपके साथ, सेफ्टी इशू तो आपके साथ है ही है, कुछ भी पॉसिबल आपके साथ। तो जहाँ आपकी जान की बात आती है तो आप शायद अपनी परेशानियाँ एक साइड पे कर देते हो ऑटोमेटिकली, तो फिर आप वहाँ पे अपनी भरपूर कारकर्दगी जो होती है उसको आप करते हो शो, कि आप मतलब पूरी तरीके से अच्छी तरह से काम करो जो आपको सिखाया गया है बिल्कुल वैसे। अच्छा, लोग खाने की क्वालिटी भी एतराज करते हैं, मसले मसाले बहुत ज़्यादा। तो क्या एयरलाइंस इतने महंगे टिकट लेती है और इतना मुनासिब होता है, आपको लगता है कि सही सर्व? मेरा ख्याल है कि मुनासिब है, मतलब अच्छा होता है मील हमारा। अच्छा, सब एयरलाइंस। अच्छा, अगले चंद सालों में अपने करियर को क्या देखती हैं आप, किस पोजीशन पे जाएंगी, क्या अगले 5-6 साल यही करियर जारी रखेंगी, या आपको लगता है इसके बाद मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, ख्वाहिश तो मेरी है कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं, और इसके साथ साथ बहुत से प्लान्स हैं जो कि मैं चाहती हूं करूं। तो ऑप्शन क्या होता है अगर एक एयर होस्टेस फ्लाइट अटेंडेंट अगर 40 साल का हो जाता है तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? उसके बाद अगर आप अपने आप को आपने मेंटेन रखा हुआ है तो बहुत सी फील्ड्स हैं अंदर एयरलाइन के, ऑन ग्राउंड आप कर सकते हो जॉब, जैसे हमारी उसमें फील्ड में DCC की जॉब होती है एक, वो डेजिग्नेटेड चेक कैबिन क्रू होती है जो कि दूसरी कैबिन क्रू का चेक मतलब कंडक्ट करती है, तो इस तरह की भी जॉब्स होती हैं, इसमें प्रमोशन होती है आपकी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एयर होस्टेस की मरात और तनख्वाह कहते हैं बड़ी पुरकशिश होती है, क्या सच है? किसी हद तक कह सकते हैं कि सच है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इतनी नहीं है। अच्छा, तो डिपेंड करता है, अच्छा डिपेंड करता है जी, कोई बड़ी एयरलाइन हो तो ही, वो जैसे एमिरेट्स वगैरह है उसमें और पाकिस्तान की एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वहाँ मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, मुझे पता है वहाँ का ये कि वो ट्रेनिंग भी बहुत डिफरेंट है उनकी, फिर मतलब यानी कि है तो वही चीज़ें, प्रोसीजर्स वही, SOPs वही हैं, लेकिन वो ज़रा ये कि उनके पास जहाज़ मतलब ज़्यादा हैं, एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं, एयरक्राफ्ट टाइप है उनके पास, बोइंग एयरबस उनके पास मतलब ज़्यादा है चीज़ें ना, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। तो उसके अलावा उसके साथ साथ किताबें भी फिर उनकी ज़्यादा होती हैं, तो उसी तरह से पढ़ना पड़ता है इस लिहाज से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना। थैंक यू सो मच।